सो आज का लंच डन। गुड मॉर्निंग ऑल। बढ़ते सूरज के साथ मेरा दिन भी शुरू हो चुका है। व्लॉग 150 में मैंने मेरा मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था। आज कर्मा कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट ऑफ द डेज मेरा यही रूटीन रहता है। अगर आप नए हैं और एपिसोड 150 देखा नहीं है तो प्लीज इस ब्लॉग के बाद जरूर देख लीजिएगा। ये टाइम मेरा मोस्टली ऑक्यूपाइड रहता है खाना बनाने में। मैं पहले दाल चावल रेडी कर देती हूँ, फिर मुझे मेरा स्टफ क्लियर मिल जाता है मेरे मेन डिश को बनाने के लिए। लंच की तैयारी में मैं लग चुकी हूँ और राइस दाल चढ़ा दिया है और मेरी हाउस हेल्प आपको जो पता है सुबह मैंने आपको दिखाया था, सी हेल्प्स मी विथ कटिंग एंड चॉपिंग। आज बैंगन की एक रेसिपी बनाऊंगी, आई होप यू विल लाइक इट। कटिंग चॉपिंग मुझे इतना पसंद नहीं है तो वो टाइम मैं कट कर देती हूँ हेल्प लेके, ताकि मैं वो टाइम यूटिलाइज कर पाऊँ अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, जो मैं यूज़ करती हूँ गीता पढ़ने में या फिर कुछ अपने लिए करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो भाग दौड़ में ही निकल जाता है, अपने लिए टाइम बहुत कम मिलता है। तो या अगर कुछ चीज़ें हम आउटसोर्स कर सकते हैं अपने लिए और खुद की ग्रोथ के लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं, देन आई डोंट थिंक दैट इज़ अ प्रॉब्लम। किचन में मैं जितनी टाइम रहती हूँ आई कीप डूइंग टास्क जिसमें ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए होता है। जैसे आज मैंने ये दाल के ग्लास जार को क्लीन करके रख दिया है, आई जस्ट हैव टू रीस्टॉक इट। मैं आटे से प्याज कट नहीं करवाती क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कट करके रखने से इट्स पॉइजनस, सो मैं छिलके निकाल के उनको साइड में रख देती हूँ, जब ज़रूरत होता है तो मैं कट करती हूँ। और आज हम इस कढ़ाई का इनॉग्रेशन करेंगे। थोड़ा हार्ट तो मेरा धक धक कर रहा है क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल दिस कुकवेयर, इट्स सो प्रेटी। तो इस सब्जी के लिए हमें अनियंस चॉप्ड चाहिए, तो मैं दो अनियन ले रही हूँ, एक मीडियम साइज का और एक स्मॉल साइज का, इतना काफी हो जाएगा। ए
इस डिश के लिए मैं 1 इंच अदरक, 1 पूरा लहसुन और 2 से 3 ग्रीन चिली को दरदरा कूट के यूज़ करूँगी। इसमें ज़्यादा भुनना नहीं होता है। कभी कभी लगता है कुकिंग सिर्फ रेसिपीज फॉलो करना और इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना नहीं होता। जिस किसी ने भी कहा है इट्स एन आर्ट, सोच समझ के ही कहा है। एक आर्ट जो पेशेंस, प्यार और थोड़ा वक्त मांगती है। जब से मैंने टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कुकिंग की, किचन में मुझे वो स्पेस मेरे होने का एहसास दिलाती है। कुछ अमेजिंग बनाने का किक मिल जाता है, ठीक वैसे जैसे मैं एक वीडियो बनाने में क्यूरियस रहती हूँ। आई बिलीव जितना ज़्यादा वक्त मैं अपने डिश को देती हूँ, उतना ही टेस्ट में फर्क नज़र आता है। कभी नोटिस किया है कि दादी की रेसिपीज हमेशा सबसे बेस्ट क्यों होती है? आंसर भी हम सबको पता है, उसमें ढेर सारा प्यार होता है और ध्यान से बनाती है, फ्लेवर्स को टाइम देती है डेवलप होने के लिए। आई वॉजन दैट इंक्लाइन टूअर्ड्स कुकिंग, पर जब से वक्त दिया है इट हैज़ बिकम माई स्ट्रेस बस्टर, जस्ट लाइक आई लव डेकोरेटिंग माई स्पेस। आलू ऑलमोस्ट 60% कुक हो चुका है, अब बारी है बैंगन को ऐड करने की। बैंगन का कुकिंग टाइम और आलू का डिफरेंट रहता है, इसलिए आलू को पहले से पका ले, सब्जी मशीन नहीं बनती। दैट्स माई मोटो। अनियंस को धीरे धीरे कैरमलाइज होने देना, सॉस को जेंटली सिमर होने देना और टमाटर को टेंडर होने तक वक्त देना। ये सब एक्स्ट्रा मिनट जो मैं इन्वेस्ट करती हूँ, उससे डिश में डिफरेंस तो दिखता है। इसी बीच मैंने दाल को छौंक लगा दिया और उसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करके रेडी कर दिया। लो टू मीडियम फ्लेम पे अब इसे पकने देना है, या फिर जब तक बैंगन कुक हो जाए तब तक।
इट्स ऑलमोस्ट डन। अब जाएगा इसमें फाइनल टच, जिससे डिश की स्वाद बढ़ेगी। एक टेबलस्पून आमचूर पाउडर और हैंडफुल ऑफ कस्तूरी मेथी। और डिश की लुक को एनहांस करने के लिए हर इंडियन डिश की पहचान कोरिएंडर लीव्स। यहाँ मैं साइड डिश भी बना रही हूँ, बूंदी की रायता। मुझे सिर्फ दही फेंट के उसको रेडी करना है। ये बूंदी हल्दीराम की है, चाट मसाले के साथ आती है, तो पैकेट में ही उस मिक्सचर को डाल के मैंने शेक करके रेडी कर दिया था। अलग से चाट मसाला या ब्लैक सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है दही में। वेल, कुकिंग इज़ ऑल अबाउट पेशेंस एंड लव। जितना दोगे उतना ही ज़्यादा मिलेगा, और क्या पता थोड़ा टाइम और पेशेंस के साथ मैं भी मास्टरी हासिल कर लूँ। सो आज का लंच डन। अगर आपको ये बैंगन की रेसिपी ट्राई करनी है तो आप ट्राई कर सकते हैं, और डिटेल रेसिपी चाहिए तो मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्ड रेसिपी शेयर करूं। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले में। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।